बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज ये इंतहाई खुशी और मसर्रत की बात है कि हमारे महल मशीराबाद में डॉक्टर मुजीब साहब बीएससी एमबीबीएस जो फातिमा क्लिनिक के नाम से मरकज़ अमीरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी गली में नया दवाखाना चालू किए हैं। डॉक्टर साहब मोहतरम अलहमदिल्ला पहले अरसे दराज तक ईरान में खिदमत अंजाम दिए, फिर सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में डॉक्टर साहब मोहतरम ने खिदमत अंजाम दिए। अलहमदिल्ला आपके सामने एक 40 से 35 साल तजुर्बेकार शख्सियत जो मुख्तलिफ फार्माकोलॉजी में, मेडिसन में, सर्जरी में और दीगर तमाम चीज़ों में, खुसूसन मुसलमान जो खतना करवाते हैं उसमें अच्छी महारत रखते हैं। और डॉक्टर साहब जो है अलहमदिल्ला बहुत दिलदार आदमी हैं। हम जो है उनके साथ अरसे दराज से बल्कि बचपन से डॉक्टर साहब मुहतरम को जानते हैं, हमारे भाई जो भी क्लासमेट हैं। डॉक्टर साहब उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद ईरान में खिदमत अंजाम दिए, अपने महल मशीराबाद में भी आपका क्लिनिक था, उसके बाद जो है सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में आपने खिदमत अंजाम दिए। अब 75 साल की उम्र में फिर से महल मशीराबाद की आवाम की खिदमत के लिए यहाँ मुंतकिल हुए हैं। मैं गोरखपुर की मशीराबाद की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहब मोहतरम से आप तमाम लोग डॉक्टर मुजीब साहब कोई तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। सिर्फ जो नई नस्ल है वो नहीं जानती है, जो हमारी उम्र के अराउंड 50s हैं वो सब के सब डॉक्टर साहब मोहतरम को जानते हैं। और मैं नई नस्ल से भी, नए नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अगर अच्छा, बेहतरीन, सस्ता, काबिले एतमाद इलाज बग़ैर किसी शक व शुबे के आना चाहते हैं तो बराए करम ज़रूर डॉक्टर साहब के पास तशरीफ़ लाएँ और अपना इलाज व मालजा कराएँ। इंशाल्लाह आप लोग आने के बाद डॉक्टर साहब के अखलाक, मोहब्बत, खलूस, प्यार, मिलने का तरीक़ा, तमाम चीज़ों से बहुत मुतासर होकर जाएँगे और आपको अल्लाह शिफा भी देगा। मैं डॉक्टर साहब मुहतरम से भी गुजारिश करता हूँ कि एक दो अल्फाज आपके सामने बस दुआ करिए कि अल्लाह ये सब जो है मरीजों को शिफाए कामिला आजिला मरम्मत फरमाए और जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमाए कि जो है मैं जो है आवाम की खिदमत कर सकूँ अल्लाह की रजा के वास्ते। टाइमिंग जो है मेरे इंशाल्लाह जो है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम में जो है 7 बजे से 9 बजे तक रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे डॉक्टर मुजीब साहब जो हमारे महल के ही है और मुर्शिदाबाद के हैं और इन्होंने इससे पहले गुज़िश्ता में भोलोपुर की आवाम की काफ़ी खिदमत की। इनका दवाखाना यहाँ पर भोलोपुर में ही था, कई साल भोलोपुर के लोगों की खिदमत करने के बाद वो अपने मसूफियात की वजह से ईरान चले गए थे। हम आज बड़ी खुशी की बात है फिर वापस ईरान से यहाँ पर आके इन्होंने यहाँ पर एक अपना क्लिनिक खोले हैं जिसके अंदर कस्मा खसूसी खतना का इंतज़ाम रहेगा। और मुझे बाहर से अभी अभी इतना मिली कि बहुत मुख्तसर दाम में, यानी बहुत महंगा नहीं, बहुत प्यारा कम दाम में खतना की जाएगी, जो एक सुन्नत का एक तरीका है। यहाँ पर महल में खतना के लिए काफ़ी दुश्वारियाँ, काफ़ी परेशानियाँ,
लोगों को झेलना पड़ता, कहीं कैंप पे जाना पड़ता था। गुज़िश्ता में डॉक्टर समदानी साहब थे, उनका मरहूम हो गए, इंतकाल हो गया, उनके फर्जंद थे डॉक्टर अहमद, उनका भी इंतकाल हो चुका। तो अब खतना करने के लिए डॉक्टर्स नहीं थे, कोई खतना करने का स्पेशलिस्ट हमारे महल के अंदर, जहाँ गुंजान आबादी है, भोलकपुर, पठान बस्ती, वारिसगुड़ा, महमूदगुड़ा, रिसाला खुर्शीद जाई, यहाँ के लोगों को काफ़ी खतना के लिए बहुत दुश्वारियाँ थी। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब की खिदमत से एक सुन्नत की तकमील की जाएगी और लोगों की खिदमत की जाएगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि डॉक्टर साहब फिर अपना यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जी जी, खतना के अलावा जनरल प्रैक्टिस भी है मेरी, बच्चों से लेकर जो है बड़ों तक मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह और तशखीस वगैरह। डॉक्टर साहब इससे पहले जनरल प्रैक्टिस ही किया करते थे, हमारे जनरल फिजिशियन हुआ करते थे भोलकपुर के अंदर। काफ़ी लोग इनके हाथ में अल्लाह ऐसी शिफा दिया कि भोलकपुर में बहुत अच्छा नाम कमा चुके थे, काफ़ी पेशेंट आते थे, बहुत बड़ा क्लिनिक खोल गए थे। तो लिहाजा इनके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही खिदमत देंगे, मैं इसका होता हूँ इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है सो बहुत बड़ी आबादी है, बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद के पास और रिसाला खुर्शीद जाई है, और यहाँ पर मिश्राबाद और फिर पठान बस्ती है, फिर उधर वारिसगुड़ा भी है। यहाँ पर कोई डॉक्टर सही नहीं थे, इंशाल्लाह के फजल से जो है सो अल्लाह ताला यहाँ पर एक इंतज़ाम कर दिए कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह जो है सो इस खिदमत को कबूल फरमाए और इसमें जो है सो बरकत अता फरमाए, खैर व आफियत का मामला बन। अरे भाई पीछे चले गए, आइए सर। आइए आइए भाई, आओ इमरान आ गए। उसमें पढ़ते थे सामने की मस्जिद में बंद पड़ी सौ डॉक्टर साहब के हमारे बहुत ही कदीम तालुका। डॉक्टर साहब वाहे शख्सियत थे जो शेरवानी में MBBS पढ़ने जाते थे उस्मानिया मेडिकल कॉलेज में। सबक के तौर पर ज़रिया बनाया है।
Monday evening, go.
हमारे बहन के क्लासमेट है हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर बैठो।
Thank you.
आपका नंबर भी दे देता हूँ। काम नहीं है, माँ काम है। तुम्हारे बाहर घर के बाहर रहते हैं, तुम्हारे बाहर घर में रहते गालियां देते हैं। हेलो हेलो इमरान भाई जी। अरे भाई हैप्पी फ्यूचर्स टूर्स एंड ट्रेवल्स, इंजनबोरी रोड अपोजिट फलकनुमा पुलिस स्टेशन। सर्विसेज एयर टिकटिंग, रेलवे बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, कार्स बुकिंग्स, रियल इस्टेट्स, बिल्डर्स डेवलपर्स, सेल्स एंड परचेज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर्विसेज। फॉर डिटेल्स कॉन्टैक्ट फरहान अली खान 8106786291।